श्री दिग्विजय सिंह जी। सर आप बोलिए सर, स्टार्ट करें सर। माननीय सभापति महोदया जी, मैं पूर्ण सम्मान के साथ महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का कुछ कारणों की वजह से समर्थन नहीं कर पाता। चुनाव आयोग के प्रति आभार। किस बात का आभार? खुद के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने का आभार। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के उल्लंघन करने का आभार। कश्मीर के विधानसभा चुनाव नहीं कराने के बारे में उद्धार आभार। और माननीय सभापति महोदय, आप पधारे, बड़ी कृपा की। मदर ऑफ डेमोक्रेसी, हमारे देश की डेमोक्रेसी को कहा जाता है, लेकिन पूरे तरीके से यदि आप चुनाव आयोग का व्यवहार इन लोकसभा चुनाव में देखेंगे तो पूर्णतः पक्षपात रूप में रहा है, इसलिए उसे आभार देने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं, गैर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के हमारे ऑपोजिशन पार्टीज ने अप्रैल 2023 से लेकर बाद तक अनेक बार माननीय चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा और माननीय चुनाव आयोग ने हम हमारी राजनीतिक पार्टियों को मिलने का अवसर नहीं दिया। तो किस बात का आभार माननीय सभापति जी? मैं इतना ही कह सकता हूं कि देश में आज ईवीएम के विषय पर एक भ्रम की स्थिति है। हम लोगों ने प्लीज 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 हम लोगों ने राधामोहन जी कुछ प्रश्न पूछे, कुर्सी पर बैठे बोल रहे हैं आप। हमने माननीय चुनाव आयोग से प्रश्न पूछे थे, देश की सिविल सोसाइटीज ने प्रश्न पूछे थे, लेकिन उन प्रश्नों का एक भी उत्तर नहीं दिया गया। आज तकनीकी युग है और इस तकनीकी युग में जहां सॉफ्टवेयर है वो कमांड देने वाले का आदेश नहीं मानेगा, मशीन सॉफ्टवेयर जो है उसका आदेश मानता है। इन छोटे प्रश्नों के बारे में हमने ईवीएम के बारे में चर्चा करना चाहते थे। कौन जीता कौन हारा इसका प्रश्न नहीं है, प्रश्न इस बात का है क्या आज के युग में हमारे देश के मदर ऑफ डेमोक्रेसी को, क्या उस लोकतंत्र को एक ईवीएम के भरोसे हम दे सकते हैं? आज के युग में जहां दूर दराज देशों में रहने वाले लोग रिजर्व बैंक को हैक कर लेते हैं, उनकी वेबसाइट को, और मिलियंस ऑफ डॉलर्स चुरा लेते हैं, वहां ईवीएम को हैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। होता है कि नहीं होता ये चर्चा का विषय है, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना जरूर है ये मेरा अधिकार है, मैं जहां वोट डालूं वहां वोट गिरना चाहिए और उसको उसकी गिनती होना चाहिए। हमें 7 सेकंड के लिए दिखता है कहां वोट गया, कहां छपा, ये जानकारी नहीं है। कारण यह है कि बैलेट यूनिट का कमांड आता है वीवीपैट में और वीवीपैट का कमांड जाता है कंट्रोल यूनिट में, तो कंट्रोल यूनिट में कमांड कहां से जाता है? वीवीपैट से। और वीवीपैट में सॉफ्टवेयर क्या डला है हम लोगों को मालूम नहीं है। अरे सॉफ्टवेयर आप उजागर क्यों नहीं करते, क्यों डरते हैं? क्यों चुनाव आयोग ईवीएम के बारे में बात करने से तैयार नहीं? ये इस बात को हम लेकर
माननीय चुनाव आयोग की क्या की जो मानसिकता है हम उसका घोर विरोध करते हैं। माननीय सभापति महोदय, बहुत सारी बातें मेरे हमारे विपक्ष के नेताजी ने कह दी हैं, हमारे उपनेताजी ने कह दी, उनको मैं नहीं दोहराना चाहता, लेकिन मूल भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य राजनीति में सेवा करना नहीं है, व्यवसाय करना है। और व्यवसाय अलग अलग तरीके से ये लोग करते हैं। पहले जनसंघ के मामले में कहा जाता था कि ये व्यवसायों की पार्टी है, छोटे मोटे व्यवसायों की पार्टी है, दुकानदारों की पार्टी है। आज भी पार्टी दुकानदारों को भी घर बैठाकर जीएसटी के बाद बड़े बड़े कॉरपोरेट्स की पार्टी बन गई है। और वो कॉरपोरेट्स कहाँ कहाँ से किस किस तरह से ये कर सकते हैं, ये सारी बातों पर उल्लेख भी मैं दोहराना नहीं चाहता। मैं इतना आपसे कहना चाहता हूँ कि तीन उदाहरण आपको देना चाहता हूँ मेरे भाषण। पहला, जिस प्रकार से इन्होंने अपनी विचारधारा को किस प्रकार से इन्फिल्ट्रेशन किया है समाज में, व्यवसाय में, शिक्षा में, और आपके पब्लिक सर्विस कमीशन्स में, यूपीएससी में, एनटीए में, ये आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि आप देखेंगे यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स की नियुक्ति अपात्र लोगों की गई, कई नेशनल इंस्टीट्यूट्स पर, कई नेशनल इंस्टीट्यूट्स की उन्होंने नियुक्तियां जो की हैं वाइस चांसलर्स की, और उनके कुछ उदाहरण मैं आपने देना चाहता हूं और वो ऑथेंटिकेट करके दूंगा। मान लीजिए इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपति 2018 जुलाई से हैं, 2018 में 4000 छात्रों की भर्ती उनको पास कर दिया बिना उसके एग्जाम के। पेपर लीक 2018 में, उत्तर पुस्तिका घोटाला 2019 में, वित्तीय अनियमितताओं के अनेक आरोप। माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल, वहां के पूर्व कुलपति महोदय वित्तीय घोटाले में पकड़े गए और फरार हैं, और फरारी में उनको हरियाणा में उच्च शिक्षा परिषद का अध्यक्ष बना दिया गया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति नरवन 2014-17 तक चयन प्रक्रिया का उल्लंघन भी हुआ, और अनेक अनियमितता के आरोप होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद के वर्तमान अध्यक्ष बना दिए गए। इनके कार्यकाल में विद्यालय में हिंसा हुई, लड़के गिरफ्तार हुए, कैंपस में छात्राओं का प्रदर्शन हुआ, शिक्षकों की भर्ती में अनियमितताएं हुई। सीएजी की रिपोर्ट 2016 के अनुसार विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य में वित्तीय अनियमितताएं की, और वो सारी बातें उजागर हुई। गुवाहाटी में कुलपति महोदय 2019 से आज तक हैं, गुवाहाटी विश्वविद्यालय के केस फॉर मार्क्स के मार्क्स घोटाला देशभर में चर्चा है, उसकी आज भी जांच चल रही है, और उसमें 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कुलपति महोदय 2020 से आज तक हैं, मार्क्स घोटाला, एडमिशन घोटाला, वित्तीय घोटाले, पेपर लीक घोटाला, फर्जी डिग्री घोटाला आदि अनेक। इस तरह से आईआईटी गुवाहाटी में भी, आईआईटी रुड़की में भी, आईआईएम लखनऊ में भी, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी में भी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी भोपाल में, तो उन महाशय जी ने 158 करोड़ रुपए अपने खाते में जमा करा लिए। ये इस तरह का, ये उस विचारधारा के लोग हैं जो शिक्षा के जगत को उन्होंने व्यवसाय में परिवर्तित कर दिया।
मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटीज की नियुक्तियों के बारे में सारी बातें मैंने करी दी, अब नीट का आगे आप देखेंगे तो जो महाशय आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अध्यक्ष हैं, 2006 में वैसे तो उनकी नियुक्ति तत्कालीन गवर्नर साहब ने अपात्र होने के बाद भी उनको प्रोफेसर डायरेक्टली बना दिया था जबलपुर यूनिवर्सिटी में, उनकी फिर नियुक्ति होती है पब्लिक सर्विस कमीशन मध्य प्रदेश में, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कर देते हैं अपात्र लोगों की, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है तो कम से कम 10 साल का उसके पास पीएचडी का अनुभव होना चाहिए, और भर्ती हो गई, भर्ती होने से हमारे अभी 5 मिनट मेरे और बाकी हैं। नहीं सर, मेरा निवेदन दो मिनट पार्टी का टाइम से हमारे हो गया, आप दे देंगे। नहीं खत्म, इनके पास है नहीं टाइम, टाइम खत्म हो गया सर, प्लीज बट सर दूसरी बात, पार्टी का टाइम खत्म हो चुका है। मामले में जो आज एनटीए के अध्यक्ष हैं आपको समझ, उनके बारे में अनेक मेरे पास प्रमाण है, जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको दूंगा। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री से जी से एक ही निवेदन करना चाहता हूं नीट के बारे में, क्या आप इस नीट के इम्तिहान 2024 के आप परीक्षा को आप निरस्त करेंगे, हाँ या नहीं? क्या एनटीए के अध्यक्ष जो इसमें शामिल हैं उनको आप बर्खास्त करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ या नहीं? ये वही व्यक्ति है जो 2006 में व्यापम के रचयिता थे और यहां तक पहुंच गए हैं, और साथ में जो नीट की सीबीआई की जांच कर रही है उसमें भी हमको सीबीआई पर भरोसा इसलिए नहीं है कि मध्य प्रदेश में सीबीआई के अधिकारी जो घोटाला कर रहे थे वही घोटाले में पकड़े गए और वो गिरफ्तार किए गए। थैंक यू। मैं अंत में आपसे इतने कहना चाहता हूं कि किस प्रकार से इस देश में भय और आतंक का माहौल बनाया हुआ है। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं, भीमा कोरेगांव वो प्रकरण है, भीमा कोरेगांव का इतिहास आपको मालूम है। 2017 में एक वहां विवाद हुआ, दिग्विजय सिंह जी दलितों का आउट ऑफ टाइम, सर तू बस लास्ट पॉइंट दलितों का विवाद हुआ वहां के लोगों से, उसमें 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया ये कह के वो अर्बन नक्सल हैं, और माननीय आप तो सभापति महोदय विद्वान वकील हैं, 17 से लेकर आज तक चार्जशीट फ्रेम नहीं हुई है और वो लोग जेल में हैं। क्या है इस प्रकार का ये देश कहाँ जा रहा है? मैं आपसे इतना अनुरोध करना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी आप कहाँ से अवतरित हुए हैं ये तो ईश्वर जानते हैं या आपके माता जी जाने, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ इस देश में कृपया करके भ्रष्टाचार को एक माध्यम मत बनाइए लोगों को डराने धमकाने का। सरकारें गिराई जा रही हैं, सरकारें बनाई जा रही हैं, उस काली कमाई के पैसे का इस सब का हम विरोध करते हैं। धन्यवाद।